make electricity in a grid. बनाएगा।
अपने पास ये आयोडीन लिखा है सोडियम आयोडाइड, तो ये सोडियम प्लस आयोडीन माइनस बनाएगा। अच्छा बताओ यहाँ पे सोडियम कॉमन फैक्टर है तो डिसाइडिंग फैक्टर तो है नहीं, हम बात करेंगे क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, किसकी बात करेंगे, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बात करेंगे। तो अगर क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे तो देखते हैं कि एक ही ग्रुप के मेंबर है, फ्लोरीन है ये, क्लोरीन है ये, ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा, जब साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अरे बात नहीं समझ पा रहे हो अभी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। ऐसा होता है जैसे मान लो कि पांच लोग हैं, अब हम पांच लोगों को एक रूम में रख रहे हैं और ये रूम 10 स्क्वायर फीट है, 10 इसकी लंबाई 10 चौड़ाई, तो ये करीब करीब होगा, इस रूम का हम 20 स्क्वायर फीट कर देंगे तो साइज बढ़ा दिए, लोग तो अभी भी पांच है तो अब इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वैसे वैसे साल्वेशन भी कम होगा, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है कम करेंगे तो साल्वेशन भी डिक्रीज करेगा, जब साल्वेशन डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगी, क्या कर जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी, तो ये बात समझ आए। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, क्या करती है, इंक्रीज करती है, और पीरियड में लेफ्टोवर जाने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, तो हम बात की किसमें, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला गया है, क्या डाला गया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। अगर हम बात करें फ्लोरीन लिखा, क्या लिखा, फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज और ये आयोडीन लिखा, कोई दिक्कत। अगर हम बात करते हैं कि फ्लोरीन और आयोडीन में कंपेयर किया जाए तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो आयोडीन के कंपेयर में कम होता है, ठीक है, और फ्लोरीन के कंपेयर में आयोडीन का साइज ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा ना, क्योंकि ग्रुप के टॉप बॉटम है, ठीक है। अब देखो साइज अगर इसका कम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बताओ इसके तुलना में क्या होगी, ज्यादा कंपेयर में, जब साइज कम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्या होगी, कम होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वाटर मॉलिक्यूल फ्लोरीन को ज्यादा घेरेंगे, क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल फ्लोरीन को ज्यादा घेरेंगे, जब ज्यादा घेरेंगे वाटर मॉलिक्यूल तो साल्वेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, क्या करेंगे, यहाँ पे साल्वेशन, साल्वेशन ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साल्वेशन ज्यादा होगा, लेकिन फ्लोरीन मॉलिक्यूल को वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं घेर पा रहे हैं, दूर दूर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम है तो साल्वेशन एनर्जी यहाँ पे घट जाएगी, क्या कर जाएगी, साल्वेशन घट जाएगा, क्या हो जाएगा, साल्वेशन घट जाएगा। अच्छा बताओ और इस निगेटिव चार्ज को दूसरे को देना ही तो है, ये जितने आसानी से दूसरे को दे देगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, जब दूसरे जितना आसानी से ये अपना निगेटिव चार्ज दूसरे आइटम को देगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। अब बताओ ये निगेटिव चार्ज को ज्यादातर वाटर मॉलिक्यूल घेरे हैं, जब ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरे हैं तो बताओ ये क्या अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाएगा आसानी से, नहीं दे पाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा वहां पे आयोडीन के केस में देखो, आयोडीन के केस में साल्वेशन एनर्जी कम है मतलब वाटर मॉलिक्यूल से दूर दूर है तो अपने नेगेटिव चार्ज को ये आसानी से ले देगा, यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हम कह सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ऊपर से नीचे आने पे, टॉप टू बॉटम आने पे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, क्या करती है, इंक्रीज करती है। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन, क्लोरीन, इसमें क्या नाम, क्लोरीन और आयोडीन, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी आई माइनस, आई माइनस की, आयोडीन की, क्योंकि इसका साइज बड़ा, साल्वेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन की, क्लोरीन सबसे कम, क्लोरीन की होगी, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या है, न्यूक्लियो
डेंसिटी ऑर्डर है, ठीक है। कहाँ पे ऑर्डर है? ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे, कहाँ पे देखने मिल रहा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पे। क्या इसका बेसिक स्ट्रेंथ ऐसा होगा? नहीं, इसका बेसिक स्ट्रेंथ जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो क्या होगा? सबसे ज्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन। इसका बेसिक स्ट्रेंथ हो गया। ये बात समझ आ गई? ठीक है, इतना हो गया ना। अब हम बात करते हैं, देखो अभी तक हम बात किए थे सॉल्वेंट, आपके पास जो सॉल्वेंट था कैसा था? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल था, एल्कोहल था, एस्टिक एसिड था, ये सब क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट में अगर हम पोलर मॉलिक्यूल डालेंगे या पोलर कंपाउंड डालेंगे तो टूट जाएगा। क्या करेगा? टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल से घेरेंगे, क्या करेंगे? घेरेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है? डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ऐसा इंटरेक्शन होता है क्योंकि अपने पास देखो ये टूटेगा वाटर मॉलिक्यूल में तो फ्लोरीन के पास क्या आया? नेगेटिव चार्ज। सोडियम के पास क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। अगर देखो सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आया तो इसे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, अपने पास ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। देखना ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। जब इलेक्ट्रॉन इसे खींचेगा, हाइड्रोजन की मतलब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रेट ज्यादा है तो अपने पास इसके हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में इंटरेक्ट करेंगे? नहीं, जब इंटरेक्ट करेंगे तो सोडियम मॉलिक्यूल को घेर लेगा क्लोरीन, अभी यहाँ पे क्लोरीन फ्री है या क्लोरीन फ्री हो गया, बाहर हो गया, और हाइड्रोजन से जुड़ेंगे तो ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल सोडियम को घेर लिए। क्या करिए? घेर लिए। अब देखो जब ये पोलर सॉल्वेंट है और ये पोलर प्रोटिक कंपाउंड है, मतलब पोलर कंपाउंड है, तब देखने को मिला ऐसी चीजें। लेकिन अब बात करें जब हमारे पास एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो क्या सोडियम मॉलिक्यूल को घेरेंगे? नहीं, जैसे हमने बस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में देख लिया, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एस्टिक एसिड होता है। क्या होता है? ये क्या है? एसीटोन है। क्या एसीटोन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है? आपने पास ये देखो CH3, ये क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अपने पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये जो चीज है ना, ये उल्टा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी, क्योंकि घेरेगा नहीं तो अपने पास साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये उल्टा है, खोल जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो अपने पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या देखने मिलेगी? एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में देखो, यहाँ पे देखो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हम देख रहे हैं, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। हमने कहा ग्रुप में कमी भी क्या नहीं देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देख कहा रहे हैं साइज। अब जिसका साइज बड़ा होगा वो चार्ज नेगेटिव चार्ज ज्यादा साइज बेयर करेगा, और जिसके पास साइज कम होगा कम करेगा, ठीक है। मतलब ज्यादा साइज है तो नेगेटिव चार्ज को आसानी से रखेगा अपने पास, जब रखेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी। यहाँ पे सॉल्वेशन नहीं देखना, यहाँ पे क्या क्या देखना है? साइज। तो अपने पास क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि साइज छोटा है, फिर क्लोरीन दे देगा, फिर ब्रोमीन दे देगा, फिर आयोडीन दे देगा। तो सबसे ज्यादा एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगी? क्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की हो जाएगी। तो अपने पास ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर मान लो क्वेश्चन दे दिया गया और तुम्हें कोई सॉल्वेंट नहीं दे रखा कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो तुम किसे कंसीडर करोगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को कंसीडर करके हम क्वेश्चन को करना है, वो मेंशन करेगा कि हम एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं। अगर कुछ नहीं कह रहा तो हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानना है, अगर नहीं कुछ का मतलब अगर नाम दे दे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कंसीडर करना है, ठीक है। तो अपने पास न्यूक्लियोफिलिसिटी खत्म। अब थोड़ा सा एक पॉइंट देख लो, समझ आए थोड़ा, कोशिश कर रहे हैं समझ आए, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप पढ़ा रहे हैं अपने पास देखते हैं आराम से, ये पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अपने पास देखो ये पीरियोडिक टेबल में क्या बात कर रहे हैं, ये अपने पास ये चीज है लेफ्ट, क्या है लेफ्ट, अपने पास ये क्या है राइट, राइट, ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट चले थे तो हमने देखा था कि अपने पास यहाँ पे CH3- था, ठीक है, यहाँ पे NH2- था,
यहाँ पे क्या था, वाटर मॉलिक्यूल था, ठीक है, यहाँ पे एफ था, कोई दिक्कत, वाटर मॉलिक्यूल नहीं, ओ एच माइनस, ओ एच माइनस, ठीक है। तो अपने पास जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो हमने देखा था यहाँ पे ई एन पे डिपेंड थी, क्या इलेक्ट्रोनिविटी इंक्रीज कर रही थी तो एन आयन की स्टेबिलिटी, एन आयन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर रही थी, ये इंक्रीज कर रही थी। जब एन आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही थी तो अपने पास न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर रही थी, तो नीचे फिजिकली डिक्रीज कर रहे थे। जब साइज इंक्रीज कर रहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही थी ना, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी, सॉल्वेशन सॉल्वेशन क्या कर रहा था, ही डिक्रीज कर रहा था, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रहा था, क्या कर रहा था, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन कर लो, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन करो, ये लिखा आर ओ निगेटिव और ये लिखा आर एस निगेटिव, ठीक है, अब बताओ इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी कितनी ज़्यादा होगी, आर ओ निगेटिव किसकी ज़्यादा होगी, आर ओ निगेटिव की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, अच्छा कैसे, देखो यार तो पहले आर ओ नेगेटिव ही ज्यादा होगा, नहीं पहले एक बात नहीं, देखो ये एक ग्रुप के मेंबर है, पीरियड के मेंबर है, देखो ये आर आर कॉमन है, जो चीज कॉमन होती है, जो चीज सेम होती है, कभी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होती, जो अपने पास वेरिएशन होता है, जो वेरिएबल चीज होती है वही डिसाइडिंग फैक्टर होती है, तो अपने पास आर आर दिक्कत है, और ऑक्सीजन और सल्फर की बात करते हैं तो एक ही ग्रुप के मेंबर है, और अभी अभी हमने बात की, जब एक ही ग्रुप के मेंबर होते हैं तो ऊपर से नीचे आएगा साइज इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है, सॉल्वेशन डिक्रीज करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, मेरे भैया आर एस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, कोई दिक्कत, समझ आया, इसका बेसिक क्वेश्चन बताओ, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का आंसर क्या होगा, कोई दिक्कत है क्या, आर एस का ज्यादा होगा आर ओ से, और बेसिक क्वेश्चन उल्टा हो जाएगी, मार्क ही नहीं लगाना, बेसिक क्वेश्चन उल्टा हो जाएगी, तो आर ओ के बेसिक क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन चेक करो, इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का डर होता है ना, इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी का डर होता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का डर होता है, सबसे ज्यादा ठीक, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है पोलर प्रोटीन चैनल में, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, ठीक है,
और पोलर कोटिंग सब ठीक है, बेसिकेशन है इसका उल्टा हो जाएगा। बेसिकेशन प्लस ये सोशल अधिक इसका जाएगा H2 को H2 S इसके बेसिकेशन। एक क्वेश्चन और करो, फ्लोरीन लिखा है और ये आयोडीन लिखा है। अब बताओ न्यूक्लियोसिटी ऑर्डर, न्यूक्लियोसिटी ऑर्डर बताना है। आई आई माइनस का ज्यादा रीजन वही फ्लोरीन ठीक है। और बेसिकेशन बता दो, बेसिकेशन एफ माइनस आयोडीन माइनस ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लो, इधर है सी एस थ्री माइनस और फ्लोरीन माइनस में बताओ क्वेश्चन नंबर टू। हाँ सी एस थ्री माइनस का जाके होगा किससे ज्यादा जाएगा या माइनस का सी एस थ्री माइनस से ज्यादा होगी माइनस का या माइनस का इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल देखेंगे ना। हाँ तो एक माइनस की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगी निगेटिव चार्ज ज्यादा दियर करेगा स्टेबल रहेगा तो नहीं दे पाएगा तो न्यूक्लियोसिटी घट नहीं जाएगी, सी एस थ्री की न्यूक्लियोसिटी ज्यादा होगी। अरे ये यहाँ पे याद नहीं था याद ठीक है, ये देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ठीक है। न्यूक्लियोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है। एक एक और चीज है, एक पॉइंट देखो ऊपर ही निकलेगा ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम, नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी उनकी ज्यादा होगी जिसमें नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम ज्यादा होंगे ठीक है। ये चीज है नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम ज्यादा होंगे ठीक है। अब बात करते हैं जैसे यहाँ पे दे रखा है ये H2O क्या दे रखा है H2O और अपने पास दे रखा है ये H2O2 क्या दे रखा है H2O2 छोटू ठीक है। बताओ किसमें न्यूक्लियोसिटी ज्यादा होगी, H2O2 में ज्यादा होगी बहुत सही, क्योंकि यहाँ आप देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो अपने पास ये बी से होता है, क्या होता है बी से स्ट्रक्चर होता है, इसके पास नंबर ऑफ टू लोन पेयर है ठीक है, एक ही डोनेटिंग साइड है। अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और दोनों के पास दो दो लोन पेयर है तो यहाँ नंबर ऑफ डोनेटिंग साइड ज्यादा है। अपने पास ये ओपन बुक लाइनिंग स्ट्रक्चर होता है, जब नंबर ऑफ डोनेटिंग साइड ज्यादा है तो अपने पास इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा एक कारण और लोग बताते हैं, एक रीजन और बताते हैं इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी से ज्यादा होती है कि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन होता है, क्या होता है लोन पेयर रिपल्सन होता है, लोन पेयर रिपल्सन होने के कारण अपना क्या कहते हैं ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा, जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा ना तो रिपल्सन कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है। तो इसमें नहीं देगा तो इसका स्टेबल आएगा, किसको नहीं देगा तो कम होगा स्टेबिलिटी ठीक है, देने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। इनमें दोनों बताओ सेम रीजन ठीक है। तो अपने पास न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिसिटी खत्म हो गई, क्या हो गई खत्म हो गई, कोई दिक्कत ठीक है। अब हम बात करें किसके लिविंग ग्रुप की ठीक है।